नमस्कार समाचार सुप्रभात साथे हूँ छु दानवी माली। बात करें तमाम महत्वपूर्ण खबरों की। होटल में जमवाना रसियाओ माटे चौंकावनारो किस्सो। अमदावादना टोमेटोस रेस्टोरेंट में एक परिवार ने कड़वो अनुभव थयो। वेज ऑर्डर बदला में नॉनवेज भोजन पीरसायो। परिवारे वेज मेक्सिकन हॉटपॉट आप्यो हतो ऑर्डर। रजूआत करता रेस्टोरेंट मैनेजरे योग्य जवाब पण आप्यो न हतो। युवके आ अंगे रेस्टोरेंट मालिक ने फरियाद करी। समग्र घटनानो वीडियो वायरल। होटल की बेदरकारी थी ग्राहकों में रोष। आणंदना बोरसद रोड पर गंभीर अकस्मात में पिता और पुत्री की मौत। पुरपाट झड़पे जती कारे मोपेड ने लीधो अड़फेटे। अकस्मात सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या। वडोदरा में वधु एक वक्त हीट एंड रन की घटना। बेफाम कार चालके भरबजार में रेस लगावा चक्कर में वाहन ने अड़फेट लीधु। बेकाबू कार की अड़फेटे बे लोग इजाग्रस्त। भरबजार में बेफाम ड्राइविंग करते नबीरो सीसीटीवी में कैद। सुरेन्द्रनगर में रखड़ता ढोर नो आतंक। यथावत रेलवे स्टेशन पर बाखड़े आखलाओ। जाहिर रस्ता पर बाखला बाखड़ता स्थानको में भय। सूरत में ओलण नदी में खाबक्यू ट्रेक्टर। वलवाड़ा नजीक शेड़ी भरेलू ट्रेक्टर नदी में खाबक्यू। ट्रेक्टर की बोगी टायर निकली जता ट्रेक्टर खाबक्यू नदी में। सदस्य ट्रेक्टर चालक नो आवत बचाव। द्वारका जिला में खुलेआम देश दारूनु वेचाण। दारूनु वेचाण करती महिला नो वीडियो वायरल थयो। वीडियो द्वारका जिला ना ओखाना होवानी आशंका। दारूबंदी ना जाहिर में धजाकरा उड़ावतो वीडियो। न्यूज 18 नथी करतुं वायरल वीडियो की पुष्टि। द्वारका खंभाळिया रेलवे ट्रेक पर 12 जेटली गायो आवी ट्रेन की अड़फेटे। समग्र घटना में 8 थी वधु गायोना मौत अने केटली गायो इजाग्रस्त। घटना ना पगले स्थानिक तंत्रना अधिकारीओ दौड़ता थया। इजाग्रस्त गायो सारवार हेठळ। वलसाड नवरगाम में टिश्यू बनावती कंपनी में लागी भीषण आग। आग ने लई आसपास विस्तार में दौड़धाम। फायर विभाग की टीम पहुंची घटनास्थले। भारे जमत बाद आग पर काबू मेळव्यो। सदनसीबे घटना में जानहानि नहीं। सुरेन्द्रनगर में जोवा मळ्यो पाणीनो बेफाम वेड़फाट। जोरावर नगर पाणीनी मुख्य टाँकी में पाणीनो वेड़फाट थवानो वीडियो। फरज पर कर्मचारीओ टाँकीनो वाल्व खुल्लो मूकी दीधा। पाणीना वेड़फाटनी आशंका। दिवाळी पहला पुरवठा विभाग नो सर्वर ठप। गुजरात भरना राशन कार्ड धारकों ने धक्को खावानो वारो। तहेवारों में अनाज खांड तेल मेळववा आवेला राशन कार्ड धारकों ने हालाकी। तहेवार पहला सर्वर ठप तथा वितरण व्यवस्था खोरवाई। खेड़ाना मेमदावादना वरसोला पासेथी झड़पायो शंकास्पद घीनो जत्थो। बालाजी ब्रांडना नामे वेचाता हता नकली घी। पोलीसे बातमीना आधारे दरोडा पाड़ी घीनो जत्थो सीज कर्यो। छोटाउदेपुर नकली सरकारी कौभांड में सौथी मोटो खुलासो। समग्र मामले फरियादी निकळ्यो आरोपी। कशुरेना जुनियर क्लार्क अने फरियादी जावेद माखनो जियानी धरपकड़। समग्र मामले पोलीसे 5 आरोपी की धरपकड़ करी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हस्ते निमणूक पत्रों करवामां आवशे। एनायत सीधी भर्ती की पसंदगी। मामले उम्मीदवारों ने अपाशे निमणूक पत्र। 3014 तलाटी मंत्री ने अपाशे निमणूक पत्र। 998 जुनियर क्लार्क ने अपाशे निमणूक पत्र। पाटण में यूरिया खातर नो काळो कारोबार झड़पायो। एसओजी पुलिस द्वारा बातमीना आधारे 562 बोरी यूरिया खातर जप्त। सबसिडी वालों के यूरिया खातर नो चाली रह्यु हतु बारोबार वेचाण। श्री सिद्धेश्वरी एंड ऑयल इंडस्ट्रीज ना गोडाउन में चालतो हतो खातर नो काळो कारोबार। पुलिसे बे आरोपी ने अटकायत करी। 11 लाख थी वधुनो मुद्देमाल जप्त करी कार्यवाही हाथ धरी। बनासकांठा में दांतीवाड़ा डेम सामूहिक आपघात मामले नवो वळांक। मृतक परिणेता भाईए बनेवी और बहन ससरा सामे नोंधावी फरियाद। आरोपी ससरा की पुलिस धरपकड़ करी। घरकंकास में पत्नी दीकरो दीकरी तेमज सासूए आपघात करी। राजस्थान दौसा में कलेक्टर सर्कल नजीक बस नो गंभीर अकस्मात। रेलवे पुल पास बस बेकाबू बनी और बस रेलवे ट्रेक पर पड़ी। गंभीर अकस्मात में 4 लोगों की मौत जारे अनेक लोग घायल थे। युद्धना धोरणे बचाव कामगिरी शुरू कराई। मोतिहारी में एक लग्न समारोह में अश्लील गीत पर डांस और फायरिंग वीडियो वायरल। पुलिस वीडियो ना आधारे दरोड़ा पाड़ी फरियाद नोधी। डीजे ना ताल पर स्टेज पर चढ़ी बे युवकों लग्न समारंभ में आड़ेधड़ कर फायरिंग। बदायूं में एसओजी कांस्टेबल की गुंडागिरी। नजीबी बाबते ऑटो चालक ने निर्दयता की मार मार्यो जेना कारण ऑटो चालक गंभीर रीते घायल थयो। एसओजी कांस्टेबल की दादागिरी सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या। कांस्टेबल की दादागिरी ने लई स्थानिको में रोष। झारखंड रामगढ़ हजारीबाग नेशनल हाईवे पर ट्रक नो अकस्मात। बेकाबू बनेल ट्रके हाईवे की बाजू में खड़ा में पलटी मारी। अकस्मात में ड्राइवर सहित बे व्यक्ति नो आबद बचाव। पुलिस घटनास्थले पहुंची तपास हाथ धरी। छत्तीसगढ़ बस्तर में चूंटनी पहला तबक्का ने लई कड़क सुरक्षा बंदोबस्त गोठवायो। विधानसभा की चूंटनी पहला तबक्का मतदान 7 नवम्बरे थशे। चूंटनी में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में।
पंजाब ना भटिंडा में हवा की गुणवत्ता नबड़ी श्रेणी में पहुंची। शहर नो एक यूआई 285 पर पहुंचो। सवार समय धुम्मस भरिया वातावरण की विजिबिलिटी घटी। वाहन चालकों ने भारी हालाकी तो हवा प्रदूषण थी लोगों आरोग्य पर असर। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अनुसार राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में यथावत। वहली सवेरे इंडिया गेट सहित विस्तार में धुम्मस भरू वातावरण जवा मू। बढ़ता प्रदूषण ने लई श्वास दर्दियों जरूर वगर बाहर न निकलेंगे। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण मेळवाना प्रयत्नों में फायर विभाग पण जोड़ायू। हॉटस्पॉट विस्तारों में फायर की गाड़ियों द्वारा करवामां आव्यो पानीनो छंटकाव। प्रदूषण पर थोड़ा घणा अंशे काबू मेळवा कामगीरी। झारखंड में परंपरागत डहरे सोहराय पर्व की उजवणी। बृहद झारखंड कला संस्कृत मंचना नीजा हेठ उत्सव आयोजन। राज्य अलग अलग 81 स्थलों पर उजवणीनुं आयोजन। उजवणी में थया झारखंड की संस्कृति दर्शन। भागलपुर में गंगा नदीए तबाही मचावी। नदी जलस्तर घटवाती अनेक विस्तार में जमीन धोवाण। खेडूतों की अनेक एकड़ जमीन धोवाई जता हालाकी। तंत्र द्वारा जमीन धोवाण ने लई कोई पगला लेवामां आवे तेवी मांग। हिमाचल प्रदेश कुमन गामना युवक करतब थया वायरल। युवक ए कोई कोचिंग क्लास विना यूट्यूब पर वीडियो जोईने सीख्यो करतब। सुनील नामनो युवक बीजा बाळकोने पण विना मूल्य शीखवाड़ी रह्यो छे करतब। पंजाबना मोघा कड़क नियमों वच्चे पण पराळी सळगावाना केस सामे आव्या। घटनानी जाणकारी मळता ज फायर ब्रिगेड अने कृषि विभागनी टीम घटनास्थळे पहोंची, ज्यां तेमणे आग बुझावी कायदाकीय कार्यवाही हाथ धरी। जम्मू और कश्मीर हॉकी एकेडमी द्वारा श्रीनगर में ऑल इंडिया ओपन वुमेन्स हॉकी चैम्पियनशिप आयोजन। इवेंट में प्रथम वक्त हॉकी सिंथेटिक टर्फ निर्माण। आयोजन हेतु कश्मीर में रमतगमत लैंडस्केप में विविधता लावा। महिला एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 खिताब भारतीय महिला हॉकी टीमें जीतो। भारते जापान ने 4-0 हरा खिताब पोता नाम कर। स्पर्धा आयोजन झारखंड रांची में थूं। मैच जुड़ा विशाल जनमेदी उमटी थी। अमदावाद में तहेवारों ने ध्यान राखी मनपानी मिठाई व्यापारियों पर कार्यवाही। मिठाई बेकरी विविध प्रोडक्ट घी पनीर सहित खाद्य पदार्थ नमूना लई तपास माटे मोकलाया। उपरांत खाद्य खोराक जप्त करी 4 कोल्ड स्टोरेज सीज कराया। मिठाई भरना चांदी वरख की आरोग्य विभागे करी तपास। चांदी वरख की जगह एल्युमिनियम वरख की भेड़सेड़ कराती होवाने लई वधु तपास कराई। वधु पैसा लालच में भेड़सेड़िया व्यापारी आरोग्य साथ छेड़ा करता होवानुं पण सामे आव्युं। खेड़ा में अहमदाबाद वर्सोला जीआईडीसी में शंकास्पद घी झड़पायू। पामोलिन तेल में केमिकल मिश्रण कर घी बनाता होवानी बातमी ने आधार कार्यवाही। पुलिस समग्र जत्था ने सीज कर कार्यवाही हाथ धरी। बनासकांठा में अखाद्य मिठाई और शंकास्पद घी जप्त। डीसा में पद्मनाथ फूड प्रोडक्ट्स और खंडेलवाल डेरी प्रोडक्ट नामनी बे पेढ़ी में रेड। 567 लीटर शंकास्पद घी और 3849 किलो शंकास्पद मिठाई जत्थो सीज करायो। सूरत में वसता परप्रांतिओ माटे छठ पूजा सुधी स्पेशल ट्रेनों दौड़ावाशे। यूपी बिहार झारखंड राजस्थान और मध्यप्रदेश में 18 स्पेशल ट्रेन की 254 ट्रीप रेलवे द्वारा आयोजन। 3.5 लाख थी वधु लोगों ने ध्यान राखी रेलवे विभाग। राज्य की प्राथमिक शालाओं में दिवाली वेकेशन की जाहरात। आगामी 9 नवम्बर से 29 नवम्बर सुधी रहे दिवाली वेकेशन। 4 दिवस बाद शुरू थता 21 दिवस वेकेशन ने लई बाळकों में उत्साह माहौल। अमदावाद में दिवाली तहेवार पहला खरीदी बजार में उमटी भीड़। तहेवार पहला छेल्लो रविवार होवाथी रजाना दिवसे लोग खरीदी करवा उमटिया। लाल दरवाजा रिलीफ रोड सहित विस्तार में 80,000 थी वधु लोगोए मनमुकी खरीदी करी। राजकोटनी लाखाजी राज बजार में उमटू मानव मेहरामण। दिवाली पहला अंतिम रविवार होवाथी ग्राहकों धसारो। घर शणगार की चीज वस्तुओं की खरीदी लोग में अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो। दिवाली पर्व ने लईने अमदावाद शहर पुलिस कमिश्नर जाहिरनामु। दिवाली में रात्रि 8-10 वाग्या सुधी फोड़ी सकाशे फटाकड़ा। विदेशी फटाकड़ा वेचवा पर प्रतिबंध। हॉस्पिटल के आरोग्य केन्द्र की नजीक 100 मीटर त्रिज्या में फटाकड़ा पर प्रतिबंध। अमदावाद में एएमसी संचालित हॉस्पिटल डॉक्टरों ने स्टेन्ड बाय रहेवानो आदेश। दिवाली त्यौहार ने लईने एएमसी स्टेडिंग कमिटी चेयरमैन देवांग दाणीए निर्णय लीधो। शारदाबेन हॉस्पिटल एसवीपी एलजी वीएस और आंखनी नगरी हॉस्पिटल में डॉक्टरों हाजर रहेशे। दिवाली त्यौहारों ने लईने सरकारी कचेरीओ में पण रजा रहेशे। रजानो माहौल 11 नवम्बर थी 15 नवम्बर सुधी सरकारी कचेरीओ बंद रहेशे। सरकारी कैलेंडर प्रमाणे 13 नवम्बरे कचेरीओ रहेवानी हती चालू। कर्मचारीओ माटे वहीवट विभागे निर्णय कर्यो। बजारों में दिवाळीनी भीड़ वच्चे अमदावाद पोलीसनी पहल। भद्र विस्तार में नकली चोर बनीने लोकोना बाळको मोबाइल पर्स सोनाना दागीनानी चोरी करी। लोकोने चोरथी सावचेत रहेवानो पाठ भणाव्यो। घर बजारे चोरीना बनावो अटकावी शकाय।
तो खेड़ा मातर में प्रांत अधिकारी की सरप्राइज विजिट, मतदार याद काम में छबड़ा देखाता शिक्षकों ने नोटिस। बे शिक्षकों बीएलओ की कामगी न स्वीकारता नोटिस फटकाराई। केटलाक शिक्षकों बहार की मणसों राखी कामगी करता हो। सूरत में नकली आईपीएस अधिकारी भंड फूट। उदना पुलिस डुप्लीकेट आईपीएस अधिकारी मोहम्मद शर्माज ने झड़पियो। चार रस्ता पर वाहनों ने पकड़ात हो तो मेमो। नकली आईपीएस पास की वॉकी टॉकी सहित साधनों पहुंचे। राज्य में आगामी दिवसों में पड़ सके हाड़ थीजवती ठंडी। हवामान निष्णांत अंबालाल पटेल ठंड आगमन ने लई करी आगाही। मते 22 डिसेम्बर की कड़कड़ती ठंड वच्चे प्रमाण। राज्य में वरसादी छांटा की शक्यता अंबालाल पटेले व्यक्त करी। 8 नवम्बर थी 12 नवम्बर दरमियान भारी वेस्टर्न डिस्टर्बंस की गुजरात पर असर वर्ताशे। उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में छवाई शके वादळछाय वातावरण। अरवली में मेशवो जलाशय में सिंचाई माटे पानी छोड़ायो। रवि पाक माटे प्रथम तबक्का 100 क्यूसेक पानी छोड़ाता 30 गामों ने लाभ थशे। कुल 7500 हेक्टर जमीनों सिंचाई लाभ मिली रहेशे। गीर सोमनाथ में टेकाना भावे मगफली की हराजी शुरू। कोड़ीनार में धारासभ्य प्रद्युमन वाजा हस्ते हराजी शुरू कराई। कोड़ीनार में 10 जेटला खेडूतो मगफली वेचाण करवा पहुंचा। जिला अन्य केन्द्रों खाली जोवा मळ्या। अमरेली में हवे बनशे नाना कदना विमानो। एरोफ्रेन कोर्पोरेशन नामनी कंपनीना प्रोजेक्ट नू केन्द्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला और श्री वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य करू भूमिपूजन। वार्षिक 4-6 सीटर 25 विमान प्रोडक्शन करते। महिसागर लुणावाड़ा में गंदगी साम्राज्य। नगरपालिका की आड़स कारण रस्ता पर कचरा डूंगर जामता स्थानिकों में रोष। गंदगी और दुर्गंध कारण रोगचाड़ो फाटी निकलता स्थानिकों परेशान। स्थानिको ने वक्त रजूआत करी छता कामगी नहीं। दररोज एकठा थता घन कचरा नगरपालिका द्वारा मेलिया खाते कराये निकाल। हाल समग्र देश में गार्बेज फ्री इंडिया कचरा मुक्त भारत की थीम पर स्वच्छता अभियान। लुणावाड़ा में अभियान अंतर्गत कामगी करने स्थानिकों ने पंचमहाल कालोल में एमजीवीसीएल की कचेरी में स्थानिकों की तोड़फोड़। बिलियापुरा गाम में वीज जोड़ाण कापा मुद्दे जुनियर इज्नेर साथ मारामारी कराई। जुनियर इज्नेरे बे शख्सों विरुद्ध पुलिस फरियाद नोंधाई। अमदावाद में लाइसेंस और परमिट न मेळवनार पशुमालिकों ने अंतिम नोटिस। परमिट न लेनार पशुओं ने शहर की बहार खसेड़वा आदेश अपाया। एमसी अंतिम सूचना की जाहिर नोटिस करी। पशुओं त्रास अटकावा नियंत्रण पुलिस कड़क अमल थशे। लाइसेंस मळ्या बाद ज पशुओं शहर में राखी शकाशे। जे पशुमालिकों पास ढोर राखवा जगह नथी तेओ माटे चेतवणी। शहर में अत्यार सुधी मात्र 14 पशुमालिकों ने परवानगी मळी। वडोदरा करजण में रखड़ता ढोरे कार ने अड़फेटे लेता अकस्मात सर्जायो। करजण नवा बजार विस्तार में बनी घटना। अकस्मात में कार चालक ने सामान्य इजा पहुंचता सारवार माटे खसेड़ायो। सूरतना भाठीना विस्तार में ढोर पार्टी वाहने सर्जो अकस्मात। रस्ते जता राहदारी ने अड़फेटे लेता युवान मौत नु। अकस्मात के पगले एकठा थे लोगए वाहन चालक ने झड़पी पुलिस सवाल कर। सूरत में ढोर पार्टी वाहने सर्जेला अकस्मात सीसीटीवी फूटेज सामने आया। जमा बाइक सवार युवानों की वाहन साथ की टक्कर कैमरा में कैद थी। उदना पुलिस मार्केट खाते वाहन जप्त कर आगे कार्यवाही हाथ धरी। सूरत में रखड़ता ढोर कारण वधु एक युवक मौत। बाइक पर जता बे भाईओ रखड़ता ढोर साथ अथड़ाता 22 वर्षीय युवान मौत निपजू। अन्य एक युवा इजाग्रस्त थता पुलिस तपास हाथ धरी। भावनगर में भंगार डेला में लूटाराओं कॉपर की करी लूट। 6 लूटाराओं चौकीदार गला पर छरी राखी 70,000 कॉपर की लूट करी। शख्सों सीसीटीवी कैमरा पर तोड़फोड़ करी। जो कि पहला समग्र सीसीटीवी में घटना कैद। बोटाद परा विस्तार में थे मारामारी सीसीटीवी सामने आया। शनिवार रात्र परा विस्तार में दवाखाना सामने थी थी मारामारी। लाकड़ी और धोखा साथ केटलाक शख्सों सीसीटीवी कैमरा में कैद। मारामारी की घटना अंगे नोधाई पुलिस फरियाद। महसाणा कड़ी में पैसा उपाड़वा गये आधेड़ एटीएम कार्ड सरकावी गया गठिया। एटीएम कार्ड की पैसा उपाड़ी सोना की खरीदी करी। तस्करे 50,000 रूपया की सोना की खरीदी करी। पुलिस गांधीनगर ज्वेलर्स की दुकान में सीसीटीवी मेड़ी तपास हाथ धरी। अमदावाद में आनंदनगर रोड पर पेट्रोल पंप पर लूट। हथियारों साथ त्राट के 4 लूटाराओं रिवॉल्वर बताई मोबाइल की लूट करी। जाण थता आनंदनगर पुलिस 4 लूटाराओं ने हथियार झड़पी पड़ी। वडोदरा में 2 मित्रों वच्चे की तकरार में हत्या। हत्या घटना सीसीटीवी में कैद। धर्मेन्द्र और गोपाल नामना मित्रों वच्चे बवाल। धर्मेन्द्रे गोपाल ने मार्यो छरी नो घा। सरवार दरमियान गोपाल नामने युवक ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल मध्यप्रदेश में करते चूंटनी प्रचार। आगामी 7, 8 और 9 नवम्बरे चूंटनी सभा तथा रोड शो योजना। आज सूरत प्रवास बाद जैसे मध्यप्रदेश।
बोटाद में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पुरावता समय बाइक में लागी आग। पेट्रोल पुरावती वक्त बाइक चालू राखता आग लागी। बाइक आग में बळीने खाक थयुं। बाइक चालकनो आबद बचाव। खेड़ा में खोटू पेढ़ी नामू बतावता सुईगाम तलाटी ने कराया सस्पेंड। 2022 में फागवेल में बनाव्यु हतुं खोटू पेढ़ी नामू। आरोपी बाद सुईगामे तलाटी की कराई थी बदली। 1000 थी वधु लग्न नोंधणी मुद्दे तपास चालू रही है। पाटण में यूरिया खातर काला कारोबार पर्दाफाश। एसओजी पुलिस हारीजना गोडाउन में रेड कर 562 थैली सबसिडी युक्त यूरिया खातर झड़पी पड़ू। कुल 11 लाख मुद्देमाल साथ पुलिस बे आरोपी ने अटकायत करी। महेसणा में कड़ी छतराल हाईवे पर 14 सट्टोड़िया झड़पाया। चालू टेम्पो ट्रावेलर में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मैच पर शख्सों रमी रहा था सट्टो। 8 मोबाइल सहित कुल 13 लाख मुद्देमाल जप्त कर कार्यवाही हाथ धराई। बनासकांठा दांतीवाड़ा डेम में एक परिवार 4 लोगों कर सामूहिक आपघात। पत्नी दीकरो दीकरी और सासुए आपघात करने उल्लेख फरियाद में। मृतक परिणीता भाई नोधाई फरियाद। बनेवी और बहन ससरा सामे नोधाई फरियाद। तो आ साथ बुलेटिन में आज समय विराम नो ते पहला एक नजर टॉप 3 हेडलाइंस पर। दिवाली पहला पुरवठा विभाग नो सर्वर ठप थता गुजरात भरना राशन कार्ड धारकों ने धक्का। झड़पथी कामगिरी शुरू करवानी मांग। बोरसदना शरणाई कोई पासे पुरपाड़ झड़पे दौड़ती कारे लीधो बेनो जीव। कार की टक्करे मोपेड़ पर सवार पिता और पुत्र ने मौत। सीएम भूपेन्द्र पटेल आज सूरत में डायमंड बोर्स की लेशे मुलाकात। सांजे भारतीय नेवी क्रेस्ट ऑफ वॉरशिप संबंधित कार्यक्रम में भाग लेशे। બધું જોયું છે, જાણ્યું છે અને તાલીમ શાળા દ્વારા કલાત્મક દીવડાઓનું વેચાણ કરવામાં આવે છે। ના નફો કે ના નુકસાનના ધોરણે દિવ્યાંગોએ બનાવેલા દીવડાનું વેચાણ કરી તેમાંથી થતી કમાણી આ દિવ્યાંગ લોકોના લાભાર્થે વાપરવામાં આવે છે। આ વખતે 70 જેટલા દિવ્યાંગ લોકોએ 30,000થી વધુ દીવડાઓ બનાવ્યા છે। છેલ્લા 5 મહિનાઓથી તેઓ રંગબેરંગી કલાત્મક દીવડાઓ બનાવી રહ્યા છે। દિવ્યાંગો આત્મનિર્ભર બને તે અર્થે જીવન સ્મૃતિ તાલીમ શાળા સતત આવા કાર્યો કરે છે। રંગબેરંગી દીવડા બનાવી તેના વેચાણ થકી શાળા દ્વારા બાળકોને પ્રોત્સાહન તો પૂરું પાડવામાં આવે જ છે, સાથે સાથે દીવડાના વેચાણ દ્વારા થતી આવક પણ તેમના લાભાર્થે ખર્ચ કરી સમાજને ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। દિવાળી એટલે ઉજાસનું પર્વ। દિવાળીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે। બજારોમાં પણ તહેવારની ધૂમ જોવા મળે છે। દિવાળીમાં ઘરને રોશનીથી જળહળતું કરવા દીવડાની માંગ ઘટવા લાગી। બજારમાં માટીના દીવડાનું સ્થાન હવે ચાઇનીઝ દીવડાએ લઈ લીધું છે। આદિકાળથી ચાલતી પરંપરાના બદલે હવે બદલાતા સમયની સાથે ઘણા નાના મોટા ફેરફાર થાય છે, પરંતુ નાના મોટા ફેરફારોએ માટીના દીવડાની જગ્યાએ મીણવાળા દીવડાએ સ્થાન લીધું છે, જેની સીધી અસર દીવડાનો વેપાર કરતા લોકોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। માટીના દીવડાના વેપારની સાથે સંકળાયેલા પ્રજાપતિ સમાજ પર તેની અસર થઈ રહી છે। ગોધરા શહેરના પ્રજાપતિ સમાજ દ્વારા મોરબીથી લાલ દીવડાની ખરીદી કરવામાં આવે છે, જે સામાન્ય દીવડા કરતા મોંઘા છે, પરંતુ ગ્રાહકો હવે લાલ દીવડાઓની ખરીદી કરવામાં પણ નિરસતા દાખવી રહ્યા છે। માટીનો વ્યવસાય કરતા સ્થાનિક વેપારીઓને વાર્ષિક અંદાજિત રૂપિયા 3-4 લાખ જેટલું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો। આ વખતે સુરતમાં વુડન રંગોળી અને દીવડાઓની ડિમાન્ડ દેશ વિદેશમાંથી આવી રહી છે। મહિલાઓને પગભર કરવાની નેમ સાથે સુરતની એક સંસ્થા દ્વારા વુડન રંગોળી દીવડા સહિતની દિવાળીને લગતી ચીજવસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે। કલા ક્રિએટિવ સંસ્થા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા રંગબેરંગી ડિઝાઇનવાળા દીવડા અને વુડન બ્લોકવાળી રંગોળીની ડિમાન્ડ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ અન્ય દેશોમાં પણ તેનું વેચાણ ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં પડી શકે છે હાર્ડ થીજવતી ઠંડી। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ઠંડીના આગમનને લઈને કરી છે આગાહી। તેમના મતે 22 ડિસેમ્બરથી કડકડતી ઠંડીનું વધશે પ્રમાણ। રાજ્યમાં વરસાદી છાંટાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી। 8 નવેમ્બરથી 12 નવેમ્બર દરમિયાન ભારે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની ગુજરાતમાં અસર વર્તાશે। ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં છવાઈ શકે છે વાદળછાયું વાતાવરણ। અરવલ્લીમાં મેશ્વો જળાશયમાંથી સિંચાઈ માટે પાણી છોડાયું। રવિ પાક માટે પ્રથમ તબક્કાનું 100 ક્યુસેક પાણી છોડાતા 30 ગામોને થશે લાભ। કુલ 7,500 હેક્ટર જમીનને સિંચાઈનો લાભ મળી રહેશે। રવિ પાક માટે હાલ પ્રથમ તબક્કાનું પાણી છોડવામાં આવ્યું, ઉપરાંત આ વર્ષે 5 વારના બદલે માત્ર 3 વાર પાણી આપવામાં આવશે, જેને લઈ આગામી રવિ પાકની સિઝનના અંતે ખેડૂતોની સિંચાઈ માટે પડી શકે છે મુશ્કેલી। ગીર સોમનાથમાં ટેકાના ભાવે મગફળીની હરાજી શરૂ। કોડીનારમાં ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમન વાજાના હસ્તે હરાજી કરાઈ શરૂ। કોડીનારમાં 10 જેટલા ખેડૂતો મગફળીનું વેચાણ કરવા પહોંચ્યા।
જ્યારે જિલ્લાના અન્ય કેન્દ્રો ખાલી જોવા મળ્યા। અમરેલીમાં હવે બનશે નાના કદના વિમાનો। એરોફ્રેઇન કોર્પોરેશન નામની કંપનીના પ્રોજેક્ટનું કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા અને શ્રી વલ્લભ કુલભૂષણ વૈષ્ણવાચાર્યએ કર્યું ભૂમિપૂજન। વાર્ષિક 4 અને 6 સીટર 25 વિમાનોનું પ્રોડક્શન કરાશે। મહીસાગરના લુણાવાડામાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય। નગરપાલિકાની આળસના કારણે રસ્તા પર કચરાના ડુંગર જામતા સ્થાનિકોમાં રોષ। ગંદકી અને દુર્ગંધના કારણે રોગચાળો ફાટી નીકળતા સ્થાનિકો પરેશાન। સ્થાનિકોએ અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ કામગીરી નહીં કરી। દરરોજ એકઠા થતા ઘન કચરાનો નગરપાલિકા દ્વારા મેલિયા ખાતે કરાય છે નિકાલ। હાલ સમગ્ર દેશમાં ગાર્બેજ ફ્રી ઇન્ડિયા કચરા મુક્ત ભારતની થીમ પર સ્વચ્છતા અભિયાન। લુણાવાડામાં અભિયાન અંતર્ગત કામગીરી કરવા સ્થાનિકોની માંગ। પંચમહાલના કાલોલમાં એમજીવીસીએલની કચેરીમાં સ્થાનિકોએ કરી તોડફોડ। બિલિયાપુરા ગામમાં વીજ જોડાણ કાપવા મુદ્દે જુનિયર ઇજનેર સાથે મારામારી પણ કરાઈ। જુનિયર ઇજનેરે 2 શખ્સો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી। વેલકમ બેક, નજર કરીએ આગળ તમામ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ્સ પર। સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં ટપાલ અને કાર્ડ ભૂલાયા। પહેલા દિવાળી સમયે થતો હતો કાર્ડનો ઉપયોગ। યુવા પેઢીને વિસરાયેલી પરંપરા માટે જાગૃતતા લાવવા માટે વડીલોની અપીલ। સપ્તાહમાં 2 દિવસ સોમ અને મંગળવારે સીએમ એમએલએ એમપી સહિત સામાન્ય લોકોને એપોઇન્ટમેન્ટ વિના મળતા હોય છે, પરંતુ પંચાયત સ્તરનો કાર્યક્રમ, ડાયમંડ બોટ્સની મુલાકાત અને નેવીના કાર્યક્રમને કારણે આજે મળી શકશે નહીં। નવસારીમાં નેશનલ હાઈવે 48માં બોરિયાચ ટોલનાકા નજીક ટ્રકમાં લાગી આગ। મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ આવી રહેલા કુરિયર ટ્રકમાં એકાએક આગ ભભૂકી। ટ્રક ચાલકે સમય સૂચક વાપરતા જાનહાની ટળી। ફાયર ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ પર કાબૂ કર્યો। સુરતમાં ઢોરપકડ પાર્ટી પર પશુપાલકનો હુમલો। અમરોલી વિસ્તારમાં ઢોરપકડ કામગીરી દરમિયાન બબાલ। પોલીસે 10 લોકો સામે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી। બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકામાં ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 4 લોકોના મોત। કાંટીવાસ માલડા અને ગોઠલા ગામ વચ્ચે દૂધના ટેન્કર અને રિક્ષા અથડાતા અકસ્માત। રિક્ષામાં સવાર 9 લોકોમાંથી 3ના ઘટનાસ્થળે મોત। 1 વ્યક્તિનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે। દાહોદમાં એસટી બસે બાઇકને ટક્કર મારી ઘટનામાં 4 લોકો ઘાયલ થયા। લીમખેડા નજીક દાભડામાં સર્જાયો અકસ્માત। 3 બાળકોને શાળાએથી લઈને ઘરે જતા બાઇક ચાલકને અકસ્માત નડ્યો। અકસ્માતમાં બાળકોને પગના ભાગે ઇજા પહોંચી। બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકામાં અકસ્માતમાં 4 લોકોના મોત। દૂધસાગર ડેરીના ટેન્કર અને રિક્ષા સામસામે અથડાતા સર્જાયો હતો અકસ્માત। કાંટીવાસ માલડા અને ગોઠલા વચ્ચે બન્યો બનાવ। સુરતના વેસુમાં બાઇક સ્લીપ થતા સર્જાયો અકસ્માત। ઘટનામાં યુવતીના પગમાં ક્લચ ઘૂસી જતા ગંભીર ઇજા પહોંચી, જ્યારે બાઇક સવાર યુવકને સામાન્ય ઇજા થઈ। યુવતીને સારવાર અર્થે તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાઈ। અમદાવાદમાં હત્યાનો બનાવ આવ્યો સામે। રામોલમાં પતિ પત્નીની હત્યા કરી ફરાર। મોડી રાત્રે સૂઈ રહેલી પત્નીની છરીના ઘા ચીકી હત્યા નિપજાવી। પોલીસે આરોપીને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા। જૂનાગઢના ઝાંઝરડા રોડ પર આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર મારામારીની ઘટના। કર્મચારી પર ધોકા અને પાઇપ વડે હુમલો કરાયો। હુમલામાં 2 ભાઈઓ ઘાયલ। પેટ્રોલ ભરવામાં મોડું થતા મારામારી। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ। જામનગરમાં પોલીસની ફાયરિંગ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ખેડૂતને વાગી ગોળી। વિજરખી રેન્જથી 2 કિલોમીટર દૂર 32 વર્ષીય મનસુભાઈ ખેતરમાં કામ કરતા હતા। પોલીસની પ્રેક્ટિસમાં ખેડૂતને અજાણતા ગોળી વાગતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા। જેતપુર રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પર ટ્રિપલ અકસ્માત। એસટી બસ કાર અને ટેમ્પોનો અકસ્માત થતા 3 વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત। અકસ્માત સમયે બસમાં 47 લોકો સવાર હતા। અકસ્માતને કારણે હાઈવે પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા। મહીસાગરમાં નશાની હાલતમાં ટેમ્પો ચાલકે કાર અને બાઇકને લીધા અડફેટે। વાહનોને અડફેટે લીધા બાદ ટેમ્પો ઝાડ સાથે અથડાયો। સ્થાનિકોએ નશાખોર ટેમ્પો ચાલક સાથે મારામારી કરી। સદનસીબે અકસ્માતમાં ઘટનામાં કોઈ જાનહાની નહીં। અંબાજી નજીક બેડાપાણી નજીક સામસામે બાઇક અથડાતા 2 યુવકને ઇજા। એક બાઇક ચાલક બાઇક મૂકીને ફરાર। ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત યુવકને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો। તો આ સાથે સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં બસ આટલું, મને રજા આપશો, નમસ્કાર।